अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। भिवंडी फास्ट फूड के बेताज बादशाह बी क्रीमी इस रमजान अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आए हैं रमजान स्पेशल अफ्तार, लजीज जायकेदार किफायती दाम, 15 से ज्यादा वेरायटी के स्नैक्स आइटम जिसमें शामिल है चिकन क्रिस्पी, चिकन ड्रमस्टिक, चिकन साठे, दही वड़े, चिकन सैंडविच, चिकन समोसा, रशियन कबाब, चिकन लेग पीस, चिकन लॉलीपॉप, नगेट स्टिक और चिकन स्प्रिंग रोल। ये सारे ऑर्डर्स बी क्रीमी जेडलो पर भी अवेलेबल है, तो अपनी इफ्तार को बनाइए और भी मज़ेदार बी क्रीमी रमजान स्पेशल के साथ। बी क्रीमी रेस्टोरेंट पर हर रोज इफ्तार का भी इंतजाम रहता है। एट बागे यूसुफ चाविंद्रा भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मीमन, दवाई जी आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी रोशन बाग नीदा हॉस्पिटल में। यहाँ पे एक हादसा हुआ है, एक बच्चा है कॉलेज का, स्कॉलर इंग्लिश स्कूल का, स्कॉलर्स कॉलेज का एक बच्चा है 12th का, अमान शाह, उसको उसके ही कॉलेज के कुछ लोगों ने, कुछ लड़कों ने जो है मिलकर पीटा है और बुरी तरह से पीटा है। लड़के की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, हाथ में अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ है, काफ़ी निशान आए हैं पीठ के ऊपर। और ये क्या सारा मामला है हम जानेंगे उसके रिश्तेदारों से, लेकिन मैं आपको कह दूँ कि यहाँ पे आपसी झगड़े के अंदर जो है यहाँ पे मारपीट भी, जिस तरह से हमें बातचीत पे पता चला है कि आपसी झगड़े में जो है कॉलेज में बच्चे बच्चों में जो बातचीत नोकझोंक होती है तो उसमें लेकर जो है यहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा हम क्या कहेंगे हिंसक हो गए, ये समझ में नहीं आता है। रमजान का महीने में जो है जिन्होंने मारा और जिन्होंने मार खाया, ये सारे के सारे एक ही कॉलेज के हैं, रमजान के महीने में भी इस तरह के झगड़े जो है ये शोभा नहीं देते। हम फिर भी बात करेंगे, दोनों पक्षों से कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन अभी फिलहाल जो बच्चा पीड़ित है तो हम उसके रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि आखिर क्या मामला है सारा देखते हैं। क्या हो गया आपके बच्चे को किसने मारा है और क्या पूरी वारदात है थोड़ा सा बताएंगे किसने मारा आपके बच्चे को असल में क्या हुआ ना ये कॉलेज में पढ़ते थे और थोड़ा सा मतलब इन लोग का वो हुआ था परेशानी। कौन सी कॉलेज में पढ़ते थे? इस कॉलर कॉलेज में, 12th में। तो इन लोग का थोड़ा सा ना पैर पे पैर रखने की वजह से थोड़ा धक्का मुक्की हुई थी, तो उसके मतलब वो उन लोग का वो था एनुअल डे था, वो खत्म हो गया तो मैंने मैडम से बात की कि मैडम तो इन लोगों ने ना उस वक्त मारपीट किए थे, तो मैं उस वक्त मैडम से बोली कि मैडम ये बच्चे लोग को बुला के मेरे सामने कर दो, मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ, अगर सब में मतलब वो भी बच्चे मेरे, ये भी बच्चे मेरे हैं, साथ में रहेंगे फिर बाद में भी मारपीट करेंगे अच्छी बात नहीं है ना। तो अभी मतलब यही मैं बड़े लोग मिलकर उसको मैटर को सॉल्व कर दूँ ज़्यादा बेटर होता है ना कि बच्चों के आगे ये चीज़ आए, और आज वो चीज़ मेरे बच्चे के आगे आ गई, आज उन्हीं लड़कों ने मिल के मारा मेरे बच्चे को। तो वही पुरानी जो दुश्मनी वही निकाली और लड़के लोग ने, उन लोग ने तभी मुझे बोले थे कि बचेगा नहीं। अच्छा, उन लोग ने तभी हाँ कॉलेज के बाहर मैडम से, तब जब मैंने माफी वाफी मांगी मैडम को, बोली मैडम से मतलब बातचीत हुई, उसके बाद उन लोग ने लड़के लोग ने बाहर बोले आंटी ये बचेगा नहीं। आज क्या हुआ पूरा मामला? आज वही इफ्तारी करके घर से निकला, उसके बाद उसको वहां पे सब 15-20 लड़के घेर के मार दिया। अब मैं क्या कर सकती, मैं घर पे थी, डेढ़ घंटे के बाद तो मुझे मालूम पड़ा मेरा बच्चा इंदिरा हॉस्पिटल में पड़ा है, आधे घंटे के बाद तो मैं इंदिरा हॉस्पिटल अपने बच्चे को प्राइवेट में उठा के लेके आई हूँ, पूरे खून में लत, पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहे, देख रहे सब खड़े हैं पर कोई कुछ कर नहीं रहा है, वो लड़कों पे बड़ा बड़ा हाथ है बड़े बड़े लोग का। तो इसमें आपने पुलिस केस किया कि नहीं? नहीं अभी तो मैं पुलिस केस के पास भेजी हूँ, पर वो वहाँ पे ले नहीं रहे। हाँ तो वो निजामपुर कुछ पुलिस वाले थे, तो अब उन्होंने क्या केस बनाया क्या किया मुझे कुछ पता नहीं, मैं अपने बच्चे की हालत देख के मैं फौरन ही नीदा हॉस्पिटल में लेके आ गई हूँ। अच्छा, जब आप कॉलेज गए थे मैडम से बात करने के लिए तो कौन सी मैडम से बात किए थे आपने, और मैडम ने क्या उस वक्त पेशअप नहीं करवाया था? नहीं, मैडम ने सामने वो बच्चों को किया ही नहीं, मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा मैडम के कि मैडम सामने कर दो कि अभी ये बात यही खत्म हो जाए। हाँ। फिर बच्चे बड़े मेरे भी उनके भी निकलेंगे बाहर, फिर वो लड़के लड़के कभी कुछ खुदा ना करे। पल्लवी मैडम थी, पल्लवी मैडम ने उस वक्त मैंने बहुत गिड़गिड़ा उनके आगे, उन्होंने मुझे शड़ाप शड़ाप बोल के चुप करवा दिया, बोला तुमको बोलने की जरूरत नहीं है तुम खामोश खड़ी रहो। वो उनके क्योंकि क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे थे,
तो ये बताया उन्होंने कि उनकी क्लासेस में पढ़ने वाले? नहीं, मेरे बच्चों ने बताया ना कि मम्मी ये वो क्लासेस के पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इसके लिए उनकी साइड ही होंगे। हाँ, मैं तभी भी मैडम से बोलती हूँ, मैडम उनको सामने करो, आगे चल के ये बवाल ना हो, आगे चल के झगड़ा ना हो मेरे बच्चों के साथ। आज सर मेरे बच्चे को लहू लुहान खून करके एकदम सुला दिए बिस्तर पे, उसकी हालत देख लीजिए। मैडम वो लड़कों को मानती हूँ, वो लड़कों को मैं मानती हूँ, वो लड़कों ने इतनी बेतहाशा मेरे बच्चे को मारे। कौन वो लड़कों के, आप वो नाम बता सकते हैं क्या? कौन? मैं लड़कों के नाम तो नहीं बता सकती हूँ। उन लोगों ने मुझे ये बोला था कि आंटी ये बचेगा नहीं, इसको बचा के रखना, मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना मुझे गेट के बाहर उन लोगों ने धमकी दिए थे। फिलहाल डॉक्टर क्या बोला आपके बच्चे के बारे? अभी तो अभी उसका सिटी स्कैन वही सब चालू है, अब देखिए डॉक्टर। फ्रैक्चर वगैरह कुछ हुआ है क्या? हाँ, वो सब उसको तकलीफ हुई, उसे नाक पूरा फट गया इधर पे, अब पूरा उसको देखिए, आप खुद ही उसकी हालत देख सकते हैं। इन लोग के हाथ में सबसे बड़ा बड़ा लोग का हाथ है, वो क्या बोलते रहे, गैबी नगर के लड़के लोग हैं, हाँ। अल्ताफ भाई और कलाम बेकरी वाला, फैयाज बॉन, आसिफ शेख, ये सब मिल के ना वो लड़कों को शह दिए हैं। अच्छा। हाँ, ये इंदिरा में आए थे, ये किसने बोला? ये वहाँ इंदिरा में आए थे। अच्छा। इंदिरा में आए थे और मुझे बोल रहे थे कि हम मांडवाली कर लो, जान दो, हो गया लड़के लड़कों में। तो यही चीज मैं उस कॉलेज में भी बोल रही थी ना। ये तो हर कोई पहले बोलेगा, चाहेगा कि उसमें ये थोड़ी बात है कि वो लोग नहीं मरवाया या वो लोग नहीं किया, नहीं उन लोग ने मरवाया ही नहीं। हर कोई बड़ा आदमी ये चाहेगा ना कि चीजें जो है खत्म हो जाए। हाँ, खत्म हो जाए सर जी। पर सर इस वक्त जो मेरे बच्चे को बेड पे लिटा दिए मार के जी, उस वक्त कहाँ थे वो? यही अगर नहीं होना था तो सर उस वक्त उनको होना चाहिए था ना, जब ये गलती की है। भाई मैं इंसाफ चाहती हूँ। क्या इंसाफ चाहती हूँ? मेरे बच्चे को जो किए वो लड़कों को सामने हाजिर करे, उनकी कंप्लेन, उनकी गिरफ्तारी होए, उनको ले पुलिस वाले गिरफ्तारी में ले, उनसे मेरे को पूछना सवाल कि बेटा क्या गलती किया था तुम लोग, जब मुझे धमकाए थे, बोले थे, मैं तभी हाथ पर जोड़ रही थी तुम लोग के, बेटा देखो तुम लोग में हो गया, अब यही खत्म करो, तब तो तुम लोग ने नहीं वो किए ना। आज मेरे बच्चे को अकेला पाके इतना मिल के मारे तुम लोग ने, आज मेरा बच्चा मौत और जिंदगी बीच में जूझ रहा है, इतनी मार मारे। तो दोस्तों आपने देखा, ये था मामले का एक साइड, जहाँ पे अभी पुलिस कंप्लेंट होना बाकी है। हम देखेंगे कि इस मामले में क्या क्या, इस केस में क्या मामले दर्ज होते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल बच्चा जो है निदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है, यहाँ पे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बच्चे की हालत, हमने भी देखे कि बच्चे की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। अब यहाँ पे कॉलेज वाले जो कि ये मामला सॉर्ट आउट कर सकते थे, तो कॉलेज वालों ने ये पहल क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से हमें मालूम पड़ा है कि वहाँ पे कोई पल्लवी मैडम थी जिन्होंने जो है इस मामले को नज़रअंदाज किया था, अगर वो वहाँ पे ये मामला सही हो जाता था तो इतनी नौबत नहीं आती थी, ये हम यहाँ पे कॉलेज की जो है गलती मानेंगे। साथ ही साथ में हम कोशिश करेंगे दूसरे पक्षों से बात करने की, दूसरे लोगों से बात करने की कि आखिर क्या वजह थी जो इस तरह से बुरी तरह से मारा गया। तो दोस्तों ऐसे हमारे साथ में बने रहे, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।